हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके। बच्चों, जिन भी बच्चों का ड्रीम है अपकमिंग 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% से ज़्यादा स्कोर करना, उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, बहुत आप लोग सवाल पूछते हो, सर कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आने वाले महीनों में सर मैं कैसे तैयारी करूँ। तो बच्चों, अगर आप ये सेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखते हो तो बिलीव मी, आपको वो रास्ता जरूर मिल जाएगा जिस रास्ते पे चल के आप 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट 4 महीने की स्ट्रैटेजी जो आपको बनानी चाहिए, जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो बच्चों, चलो सबसे पहले मैं बताता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कुछ। सबसे पहला मेरा सवाल है आप लोगों से, वेयर आर यू, है ना। आप लोगों को यह सवाल बच्चों खुद से भी करना है कि अभी मेरी करंट स्टेट क्या है। क्या मैं सो रहा हूं, क्या मैं फर्स्ट कैटेगरी में लाए करता हूं, क्या मैं सो रहा हूं, या फिर मैं बीच में हूं सर, कहीं पे थोड़ी थोड़ी तैयारी करी है, थोड़ी थोड़ी नहीं करी है। कभी कभी सर पढ़ने का मन कर जाता है, कभी कभी लगता है बहुत टाइम पड़ा है, आराम से पढ़ लूंगा। और तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे ही टॉपर बनते हैं आगे जाके, जो एक प्रॉपर फ्लो से पढ़ते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, जिनकी प्रिपरेशन ट्रैक पे चल रही होगी, सिलेबस ट्रैक पे चल रहा होगा। सो फर्स्ट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, सेकंड कैटेगरी में हो, या फिर थर्ड कैटेगरी में। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को समझना पड़ेगी अपनी टाइम की कीमत। खुद से ये बोलना छोड़ दो, बिकॉज इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज जो आप खुद को दे रहे हो बार बार ही कि बहुत टाइम बचा है। बच्चों, 5.5 महीने बचे हैं। अगर अब इस 5.5 महीने में लग के मेहनत करते हो तो बिलीव मी, चाहे आप फर्स्ट कैटेगरी में थे, सेकंड कैटेगरी में थे, या फिर थर्ड कैटेगरी में थे, यू कैन स्कोर मोर देन 95% मार्क्स। दिस इज माई एश्योरेंस, दिस इज माई गारंटी। अब बच्चों, टाइम को वैल्यू करो, है ना, टाइम को वैल्यू करो। इट कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी और इट कैन बी योर बेस्ट अलाय। तो अपने टाइम को, पूरे 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, उस 24 घंटे को कैसे परफेक्टली यूज करना है वो आपके ऊपर है। मैं आपको टिप्स दे सकता हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन आपके हाथ में, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं स्केड्यूलिंग पे। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई मैंने 3 घंटे आज मैथ्स पढ़ ली, 3 घंटे में मैथ्स में ना सिर्फ 6 क्वेश्चन कर लिए मुश्किल, और बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन करके आया हूं। लेकिन बेटा, क्या फायदा उस चीज का, 3 घंटे आपने अपने दिन के बर्बाद कर दिए और आप एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं कर पाए हो अपने सिलेबस कंप्लीशन में, तो क्या पॉइंट उस चीज का। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत जरूरी है बच्चों, एक अपने प्रॉपर स्केड्यूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेक योर डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, और ये टारगेट्स ऐसे सेट होने चाहिए कि आपको एक दिमाग में डेडलाइन हो कि भाई यहां तक आते आते, इस मंथ तक आते आते मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं चालू करूंगा अपने रिविजन की कहानी, प्रैक्टिस की कहानी, ठीक है। तो बच्चों, ये बिल्ड करने से पहले, डेली वीकली और मंथली गोल्स बनाने से पहले, टाइम टेबल बनाने से पहले, और हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैंने एक टाइम टेबल का, हाउ टू मेक द परफेक्ट टाइम टेबल पे एक सेशन लिया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, गो वॉच दैट सेशन, आपको बहुत हेल्प होगी उस सेशन से। और बच्चों, अपने गोल्स सेट करने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से निहारो, है ना, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से निहारो, क्या क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स कम मार्क्स कवर करते हैं, हर चीज आपको पहले एक आउटलाइन बनानी है, फिर इस आउटलाइन के तहत आपको अपनी स्केड्यूलिंग करनी है, टाइम टेबल बनाना है कि सर एक हफ्ते में मैं ये सब कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट हफ्ते में मैं ये सब कवर करूंगा। तो जाते जाते सर ऐसे ऐसे जब मेरा इन सब चीजों को, टारगेट्स को मैं कंप्लीट करता रहूंगा छोटे छोटे, मेरा सिलेबस इस डेट तक, इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी सिलेबस कि पहले समझ को बढ़ाओ, ना कि क्या क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों, कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ मैथ्स और साइंस को इंपॉर्टेंस देख के तो हम 95% से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, आपको SSC भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बाकी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है दैट ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग हो सकती है एक सब्जेक्ट के लिए, डिसलाइकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। मान लो आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है और कोई
सब्जेक्ट थोड़ा एवरेज एवरेज पसंद है, लेकिन बच्चों आपको एवरेज सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि शायद आप उसको समझने में ज्यादा टाइम लगाओ रादर देन योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम खेलेंगे। अब आती है मुद्दे की कहानी कि भाई सर अब बता दो कि चार महीने हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो सितंबर से दिसंबर बच्चों, अगस्त खत्म हो गया है, अगस्त की कहानी पूरी खत्म हो गई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब नेक्स्ट चार महीने में हर बच्चा अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देगा, ठीक है। नेक्स्ट चार महीने आपको ऐसे अपनी स्केड्यूल बनाना है, ऐसे टाइम टेबल सेट करना है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ आपको दिखे, नॉट 90%, नॉट 95%, फुल सिलेबस कंप्लीशन। इसका मतलब है आपको एनसीईआरटी लेवल पे हर एग्जांपल, हर क्वेश्चन, हर सब टॉपिक, हर टॉपिक एकदम इतनी अच्छे तरीके से हो जाए कि आप बोल सको कि सर एक बारी मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो सर ठीक है, ये तो चार महीने हो गए सर, लेकिन पेपर तो मेरा मिड फरवरी के अराउंड है। तो बच्चों जो बाकी का डेढ़ महीना बचा, दैट इज जैन, और फिर जनवरी से जो एग्जाम डेट होगी आपकी, तब तक का टाइम जो बचा, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे प्लस रेफरेंस बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम्पलर आ जाती है आपकी, है ना, बाकी सारी बुक्स आ जाती हैं रेफरेंस बुक्स। और बच्चों मेन एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग PYQs पे फोकस करेंगे, है ना, कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोबारा आते रहते हैं, बार बार ही रिपीट होते रहते हैं। तो ये रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी। तो हर बच्चा नेक्स्ट चार महीने में सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा पूरा ध्यान देगा, उसके बाद डेढ़ महीना हम लोग प्रैक्टिस पे और रिविजन पे फोकस करेंगे। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी कर ली, फिर क्या करूं, एग्जाम्पलर उठाऊं। सर मैथ्स के बच्चे पूछते हैं सर आरडी शर्मा साथ में लगाऊं क्या करूं। तो ध्यान रखो क्या फ्लो रखना है आपको, यही फ्लो सब बच्चे फॉलो करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है, हर एग्जांपल, हर क्वेश्चन, आपको हर स्टेटमेंट एनसीईआरटी से सबसे पहले कवर करनी है टिल दिसंबर, ठीक है। दिसंबर से मान लो कुछ टाइम पहले हो जाती है कुछ बच्चों की, एनसीईआरटी के बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पलर पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पलर पे, एग्जाम्पलर के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद हम लोग आएंगे PYQs जो एंड का टाइम होता है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी रेफरेंस बुक्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेफरेंस बुक के, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों का फ्लो रहेगा, सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से खत्म करो, फिर एग्जाम्पलर पे आओ, और फिर PYQs और जो भी आपके इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स आपको आपके टीचर्स सजेस्ट करते हैं फॉलो करने के लिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। अब उसके बाद बच्चों कुछ बच्चे तो ये समझ लेंगे, है ना, इस सेशन से समझ लेंगे, हाँ सर ने ये बोला है, आज मैं अभी सेशन खत्म होते ही, जब मैं ये लेक्चर देखूंगा खत्म होते ही, मैं चालू करता हूं अपने सिलेबस को देखता हूं, आउटलाइन बनाता हूं, एक अपने मंथली, वीकली, डेली टारगेट सेट करता हूं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर हेल्प चाहिए हमें थोड़ी सी और, है ना, हमसे सर ये स्केड्यूलिंग, टाइम टेबल बनाना, स्केड्यूल करना, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना, सर ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज इसमें हेल्प अस आउट, थोड़ी सी हमें पर्सनल मेंटोरिंग चाहिए। तो बच्चों उन लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है निश्चय बैच। आप लोगों का ये बैच बच्चों 1 सितंबर से चालू होने वाला है, लॉन्च हो चुका है ये, और इस बैच में बच्चों आप लोगों का यही जो मैंने बताया ना अभी कि चार महीने के अंदर आपका एनसीईआरटी लेवल पे आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट डेढ़ महीने में हम लोगों की रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस की कहानी चालू होगी, है ना। तो जो बच्चे स्केड्यूलिंग नहीं कर सकते, टाइम टेबल नहीं बना सकते, थोड़ी पर्सनल मेंटोरिंग चाहते हैं हम लोगों से, थोड़ी पर्सनल हेल्प चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो बच्चे इस कोर्स में जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें। और बच्चों आप लोगों का अभी जो प्राइस है ना बच्चों, कल तक ये प्राइस था, है ना, कल तक ये प्राइस था, लेकिन आप लोग वही थोड़ा सा लेट जागे हो। तो बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, आपको जाना है अड्डा 247 की वेबसाइट पे हम लोग चले गए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको दिखेगा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में आप जाओगे जब,
तो आपको बच्चों यहाँ पे स्कूल के 12 दिखेगा, आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद बच्चों क्लास 10 में जाना है। यहाँ पे क्लिक किया तो देखो खूबसूरत सा हमें निश्चय बैच दिखने लगा। मैंने क्लिक किया तो अब बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे अब मैं क्या कोड अप्लाई करूँ कि मेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो बच्चों उस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं बता रहा हूं क्या कोड है, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड इज Y618। ये है बच्चों कोड जो आप अप्लाई करोगे। देखो आपका अमाउंट गिर के क्या आ गया 3651। तो बच्चों ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों ये कोड मैं आप लोगों के लिए एक बार स्क्रीन पे लिख भी देता हूं क्या कोड अप्लाई करना है। क्या कोड अप्लाई करना है बच्चों फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज Y618। ये कोड अप्लाई करके फटाफट निश्चय बैच में एनरोल करो। 1 तारीख से बच्चों साथ में तैयारी करते हैं, है ना, पूरी अटेंशन पूरी मेंटोरिंग आप लोगों को एंड तक मिलेगी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं क्लियर हो जाते। इवन 11th क्लास में आपकी स्ट्रीम चूज करने तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।